मैंने आपको पहली बात की कि ये खुदकुश हमलावर था। दूसरी, मैंने आपको बात की इस खुदकुश हमलावर को हमने ट्रेस कर लिया है, इसकी हमने सीसीटीवी की पूरी जो इमेज है खैबर रोड से पुलिस लाइन की, मलिक साद खान शहीद पुलिस लाइन की तरफ आते हुए फिर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना, और फिर पुलिस की वर्दी में होना, और हाँ पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है, मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहाँ पे उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है, मैं अपने सीसीपीओ की कोताही भी नहीं समझता हूँ, मेरी कोताही है। मेरे बच्चों को जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। 12:37 पे वो गेट से दाखिल होता है, अंदर आता है, एक किसी शख्स से बात करता है, एक हवलदार है हमारा जिसको हमने बाद में बुलाया कल पूछा, और वो हमारा पुराना हवलदार है, और उसने उससे पूछा कि ये तुमसे क्या बात कर रहा था, तो उसने पश्तो में कहा कि उसने मेरे से पूछा कि द जमात कमजे की थे। अब एक आदमी है पुलिस की वर्दी में, वो पूछ रहे जमात कमजे के थे, मतलब मस्जिद किस तरफ है। ये उस शख्स को अंदर से वो वाकिफ नहीं है, उसको टारगेट किसी ने दिया है, मास्टरमाइंड है, एक पूरा नेटवर्क है, रेकी भी जरूर हुई है उसकी, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हवाले से उसको जब ये टारगेट दिया, रेकी करके दी, तरीकाकार समझाया गया, तो ये अकेला आदमी नहीं है, लोन रेंजर नहीं है, उसके पीछे एक है पूरा नेटवर्क है जो मैंने आपको बताया कि हम ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे इंशाल्लाह। लेकिन साजिश का आप साइड पे करें, हम जो बात करेंगे हम एविडेंस से बात करेंगे, ये जो सारी बात मैंने की आपसे ये यही बात है, और ना ड्रोन है ना कोई और चीज़ है, खुद कुछ बम्बार है, पैलेट्स वॉल बेयरिंग्स हमारे पास हैं, और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, हम रातों को जाग रहे हैं, एक एक के बजाय 10 टीमें हम लगाते हैं, जहाँ पे एक आदमी से काम चल सकते हैं हम 10 लोगों को अदर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए हम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। आखिरी बात, और मैं माजद भी आपसे करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि आगे मैंने एक और मीटिंग में वज़ीर आला की मीटिंग एक है इसी के हवाले से, उसमें मैंने जाना है, तो मैं अपनी आखिरी बात करूंगा, अपनी बात ख़त्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं 2-4 सवाल आपसे ले लूँगा, फिर मेहरबानी करें क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात कर दी आपसे, और शायद सवाल आपके क्लियर वैसे ही हो गए होंगे, कौन था, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, मैंने बताया सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, मेरे सिपाही जो खड़े थे, मेरे जवान खड़े थे, मेरे बच्चे खड़े थे, उन्होंने नहीं चेक किया, अपनी वर्दी देख के, अपना भाई समझ के। एक मिनट मैं आखिरी बात कर लूँ फिर उसके बाद, आखिरी बात, 2 दिन से ख़ास तौर से कल ज़्यादा एक और इशू खड़ा हो गया, अभी हम एक बड़े इशू से फारिग नहीं हुए थे, हम जनाजों की तदफीन से फारिग नहीं हुए थे, और जनाजों की तदफीन से में हम अभी मसरूफ थे, हम फातह ख्वानी कर रहे थे, हम सोयम का और बाकी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की टीमें अपनी काम कर रही थी, मलबे को हम क्लियर कर रहे थे, हमारे पास 500 काम थे, एक नया तूफान शुरू हो गया, मेरे बच्चों को लोग गुमराह करना शुरू हो गए कि जी आपको तो तहफ़ मिलना चाहिए, जी आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, जी साजिश ही सारे ताने बाने उसके कहाँ कहाँ जोड़ना शुरू हो गए, मेरे बच्चों को गुमराह किया, मेरे लिए एक नया काम ढूंढाया आपने, आपसे मुराद आपकी बात नहीं कर रहा, जो लोग कर रहे हैं ये, मेरे लिए एक आपने नया काम ढूंढा है कि मैं अपने बच्चों को कभी प्रेस क्लब पेशावर पे ढूंढने जाता हूँ, कभी प्रेस क्लब मर्दान पे जाता हूँ, कभी मैं स्वाबी में होता हूँ, कभी मैं नौशहरा में होता हूँ, मेरे बच्चे जो लड़ने के लिए हैं, जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको मैंने वेपन दिया है, जो बदला लेने के लिए तैयार हैं, जो बदला लेने के लिए खड़े हैं, वो अब अपने अगर हकूक का एहतजाज और तहफ़ की बात करना शुरू कर दें, तो फिर मैं
क्या कहते हैं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं।